आपको बड़ा होने के लिए चाहिए रीजंस, चाहिए कुछ पर्पस, और वो पर्पस हमें देखते आना चाहिए खुली आंख से। खुली आंख है और खुली आंख से हमें देखते आना चाहिए कि क्या रीजन है, क्या पर्पस है, और आप फिर बड़े हो सकते हैं, आप महान हो सकते हैं। देखो, आदमी को ही ये सिर्फ क्वालिटी है, जीवित प्राणियों में सिर्फ आदमी को ये क्वालिटी है कि वो आंखें बंद करके देख सकता है, आंखें बंद करके भी देख सकता है दूर का और क्रिएट कर सकता है। मगर लोग आंखें खुल के भी देखते नहीं है, बंद करके तो छोड़ ही दो। एक अंधे आदमी को पूछा कि तुझे आंखें नहीं है, इससे बुरा क्या हो सकता है? कि तुझे आंखें नहीं है तो कुछ भी देख नहीं सकता, इससे बुरा क्या हो सकता है? तो उसने जवाब दिया कि इससे बुरा ये हो सकता है कि जिनको आंखें हैं मगर जो देख नहीं रहे, जो आंखें हैं मगर वो देख नहीं रहे। देखो, आईएएस का फॉर्म तो 55 रुपये में मिल जाएगा, तो सब खरीद सकेंगे, मगर आईएएस बनना क्यों है? वो जो भूख है, वो जो पर्पस है, वो आपको आईएएस बना देगी। हो सकता है कि आपको पर्पस जो मिलता है वो हो सकता है कि आपको पर्पस फैमिली का हो। पर्पस आपको होगा कि भाई नहीं, मुझे मेरे पिताजी की जिद पूरी करनी है, माँ की जिद पूरी करनी है, मेरी खुद की जिद पूरी करनी है, मुझे किसने टोच दिया, चैलेंज दिया, ललकार दिया, वो मुझे पूरा करना है। कुछ पर्पस हो सकता है, या फिर लोगों का भला करना है, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करने का है, इसलिए मुझे वो पर्टिकुलर बात करनी है। देखो, हमारे ज़माने में गाड़ी बोले तो बहुत, मतलब मैं जब छोटा था तो गाड़ी किसी के पास में है, फोर व्हीलर, बहुत बड़ी बात होती थी। फियाट उस समय आती थी, वो ज़माने में फियाट। और हमारे यहाँ हमारे एक रिलेटिव थे, डॉक्टर थे, वो आते थे हमारे यहाँ मिलने के लिए कभी कभी, क्योंकि उनके जो रिलेटिव है और हमारे रिलेटिव कॉमन थे, तो उनको मिलने के लिए हमारे यहाँ आते थे। जब गाड़ी खड़ी रहती थी बाहर, घर के बाहर हमारे, तो हम जाके उसको हाथ लगाना कि नहीं लगाना डरते थे। मैंने एक बार हाथ लगाया तो वो लोग चिल्लाए, उनको लगा कि मैं हाथ लगाऊं तो कुछ, तभी मैं खरोच दे रहा हूँ गाड़ी को, ऐसा कुछ लगा तो वो चिल्लाए जोर से। मैंने तब तय कर लिया कि मैं इतना आदमी बड़ा बनूंगा कि मेरे पास में ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। वो पर्पज़ मुझे उस दिन मिला बड़ा होने का। मैंने तय किया मैं तो इनके जैसा डॉक्टर बनूंगा और ऐसी बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, और मैं एक नहीं बहुत गाड़ियाँ खरीदूंगा। और आज हमारे पास में 4 गाड़ियाँ हैं, अलग अलग कंपनियों की 4 गाड़ियाँ, और हर एक 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 गाड़ी है। तो एक मुझे पर्पस मिला कि नहीं, उन्होंने ललकारा, उन्होंने मुझे चिढ़ाया, उन्होंने मुझे नीचा बताया कि रे क्या कर रहा है तू, चलो बाजू हो जाओ। मुझे इतना डर लगा कि मैं सिर्फ हाथ लगा रहा हूँ गाड़ी को, इतने जोर से चिल्लाना पड़ता है। और वो पर्पस मुझे मिला कि ठीक है, मैं तो बताऊंगा इनको क्या है। तो और उनके जीते जी मैंने गाड़ी खरीद लिया था, उनको बताया कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा यदि पर्पस आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप ग्रो हो सकते हैं। वो पर्पस आपको है, वो एक रीजन है, वो जो आपको जिंदा रखता है, जो आपको दौड़ाता है। तो आप एक पर्पस नहीं होगा तो करो क्रिएट, या फिर आपका पैशन होना चाहिए कोई भी काम में। एक तो भूख होना चाहिए, नहीं तो फिर कि बहुत भूख है, बहुत ही जबरदस्त भूख है, और वो भूख है करके आप दौड़ रहे हैं, नहीं तो फिर आपको पर्पस मिलता है करके आप दौड़ रहे हैं, नहीं तो आपका पैशन है करके आप दौड़ रहे हैं। ये 3 चीजों में से कुछ ना कुछ होना जरूरी है, तो आप जिंदगी में बहुत बड़े बन सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।